सचिवालय कर्मचारियों के बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुमार हाउस में जो है कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या वजह है कि आज जो है इनको इस तरह से विरोध प्रदर्शन पर उतरना पड़ा है। जी अपना नाम बताइएगा। मैं हीरालाल वर्मा, को कन्वेनर जनरल सेक्रेटरी। जी बताइए कि क्या वजह है कि आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भी अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, जो बिजली बोर्ड के बैकग्राउंड में जाएंगे, आपके डेढ़ साल अभी जो सरकार का 22 महीने का कार्यकाल हुआ है, उसमें डेढ़ साल तो जो मिसमैनेजमेंट है, आपने देखा होगा पिछले साल भी बड़े आंदोलन हुए कि मैनेजमेंट में से लोग उठा दिए गए जिन्होंने बिजली बोर्ड को तहस तहस करना शुरू कर दिया। तो अभी वो स्थिति सुधरी थी, नई मैनेजमेंट आई, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक सब कमेटी बिठा दी और वो टास्क जो आपका मैनेजमेंट कर रहा था वो टास्क आप सब सबमिट कर रहे हैं। उसने देखा होगा पहले इसमें उसने पोस्ट स्टेब्लिश कर दी और ट्रेंचमेंट शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जो बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग है वो भी उसके एजेंडे में है और भी बहुत सारी चीजें जो उसमें, ये तमाम चीजें जिसका कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारी पेंशन को सड़क पे आना, हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों को निकाला गया है यहाँ से। और अभी जो 81 लोग हैं जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे थे और मैं कहना चाहूंगा जो बिजली बोर्ड में काम कर रहे थे इस उम्मीद से काम कर रहे थे कि उनका बिजली बोर्ड में कोई विषय होगा, लेकिन आपने दिवाली पे 31 को दिवाली है लेकिन 1 नवंबर से उनकी सेवाएं रिटेंज कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या पोस्टें भी खत्म की गई है यहाँ की? आज जो पोस्टें खत्म की गई उस पे हम ये कह रहे हैं जो पोस्टें हैं वो फंक्शनल पोस्टें हैं, वो प्रदेश के जो कंज्यूमर्स हैं उससे सर्विस में कहीं कहीं प्रभावित होगी। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं, हम मैनेजमेंट से भी कहना चाहेंगे कि क्या मैनेजमेंट को पता है जो पोस्ट एब्लिश की वो फंक्शनल थी, उसकी जरूरत है कि नहीं है, या कहीं जो सब कमेटी है वो एक तरफा फैसला सब कमेटी बगैर कुछ स्टडी किए बगैर कुछ किसी को पूछे फैसला कर दिया। तो मुझे लग रहा है जो ऐसे फैसले हैं इससे आक्रोश है, सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, आगे क्या करने वाले हैं? स्वाभाविक है क्योंकि आज की डेट में जैसे जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसकी लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी, अगर कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाता स्वाभाविक है उन लोगों को आंदोलन में आगे वो बढ़ेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ जो पोस्ट एवलिश जो हुई है अगर इनको रिवाइव नहीं किया तो बिजली बोर्ड की सर्विसेज कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हमारी ओपीएस पेंडिंग है, बाकी जगह ओपीएस आपने दे दी लेकिन बिजली बोर्ड ओपीएस नहीं दी है। इसके साथ साथ आपने नया एजेंडा ले लिया कि आपको बिजली बोर्ड को निजी कर्म को ले जा रहे हैं, अनबंडलिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जिसको लेकर के स्वाभाविक आंदोलन आगे बढ़ेगा, ब्लैकआउट की तरफ ही बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारा रहेगा जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी दिवाली में उनके साथ हैं और शुभकामनाएं और उनके साथ खड़े हैं, उनकी विद्युत सप्लाई पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन हो सकता है उसके बाद ज्वाइंट फंड को एक बड़े एक्शन की ओर जाना पड़े। बिल्कुल, तो ये विद्युत बोर्ड के कर्मचारी उनका कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ब्लैकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो ठंड का मौसम है तो लोगों के साथ साथ जो है सरकार की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शिमला से एबीपी न्यूज के लिए पराक्रम चंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.